बिहार के नवादा में पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मंजूर आलम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मंजूर आलम के घर से 4 जिंदा बम, 7 कट्टा, 1 पिस्तल, 1 राइफल समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। हालांकि पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। इस मामले में सोमवार को नरहट थाना प्रभारी सरफराज इमाम ने बताया कि गिरफ्तारी हुई है। विशेष पूछताछ के बाद वरीय अधिकारी इसके बारे में जानकारी देंगे। बिहार के नवादा में पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मंजूर आलम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मंजूर आलम के घर से 4 जिंदा बम, 7 कट्टा, 1 पिस्तल, 1 राइफल समेत जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। हालांकि पुलिस इस पर कुछ भी कहने से बच रही है। इस मामले में सोमवार को नरहट थाना प्रभारी सरफराज इमाम ने बताया कि गिरफ्तारी हुई है। विशेष पूछताछ के बाद वरीय अधिकारी इसके बारे में जानकारी देंगे।